हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स, आज मतलब आपको एसएसटी में जो आपके प्री मिड में चैप्टर आएंगे, चैप्टर 1, 2 और 3, इसका मैं आपको कॉपी वर्क रिवाइज करा रही हूँ। आपको जो फर्स्ट वीडियो दी गई थी उसमें आपको बुक वर्क रिवाइज कराया गया था, आज ये सेकेंड वीडियो है, इसमें आपको कॉपी वर्क रिवाइज कराया जा रहा है। ओके बच्चों, सभी बच्चे वीडियो को ध्यान से समझेंगे। ओके, इसमें फर्स्ट चैप्टर है आपका अबाउट इंडिया। इसमें जो फर्स्ट है डिफाइन करना है पेनिनसुला। मैंने आपको बताया भी था, जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था। पेनिनसुला क्या होता है? लैंड दैट हैज़ वाटर ऑन थ्री साइड्स। धरती का ऐसा पार्ट, स्थल का ऐसा पार्ट जिसके तीन ओर पानी होता है, वो क्या कहलाता है? पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। आपने देखा होगा जो भारत है वो नीचे से ऐसा है बच्चों, उसके इधर भी पानी है, इधर भी पानी है और इधर भी पानी है। तो ऐसा स्थलखंड जो जिसके चारों ओर पानी हो, यानी कि यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो उसे क्या कहलाते हैं? पेनिनसुला कहते हैं, यानी कि प्रायद्वीप इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? हिंदी में प्रायद्वीप और इंग्लिश में पेनिनसुला इसको कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है स्टेट। स्टेट क्या होते हैं? सब डिवीज़न ऑफ कंट्री, यानी कि डिवीज़न कर देना, यानी कि जो कंट्री है, एक देश है, उसको हिस्सों में बांट देना, कुछ छोटे छोटे, वो क्या कहलाते हैं? स्टेट कहलाते हैं। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या बताना है? सब नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न ऑफ इंडिया, यानी कि सब नेशनल, यानी कि राष्ट्र से अलग, जो मतलब स्टेट से जो अलग बनाए जाते हैं उन्हें बोला जाता है केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि यूनियन टेरिटरी। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है फुल ऑफ पॉपुलेशन, पीपल, पीपल का भर जाना, बहुत सारे पीपल, जनसंख्या होना, क्या कहलाता है? पॉपुलेशन। क्या कहलाता है बच्चों? पॉपुलस, यानी कि जनसंख्या। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इंडिया ए पेनिनसुला? जो भारत है वो एक पेनिनसुला क्यों है? अभी बताया मैंने, इंडिया इज़ ए पेनिनसुला बिकॉज, जो भारत है वो एक प्रायद्वीप है बिकॉज, क्योंकि इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड, क्योंकि इसके तीन ओर पानी है, इसलिए इसको पेनिनसुला बोला जाता है। ओके, हाउ मेनी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन इंडिया? भारत में अगर बात करें तो कितने स्टेट हैं बच्चों? 28 स्टेट हैं, एंड यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की हम बात करें तो कितने हैं? 8 हैं। ओके, तो क्या है? इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, फिर नेक्स्ट है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया? भारत की राजधानी क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली। क्या है बच्चों? न्यू दिल्ली। फिर हम बात करते हैं विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा राज्य अगर हम एरिया वाइज देखते हैं तो बच्चों कौन सा है? वो राजस्थान। कौन सा है बच्चों? राजस्थान। नेक्स्ट हम बात करते हैं विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया? अगर हम भारत के सबसे छोटे राज्य की बात करते हैं तो वो कौन सा है बच्चों? गोवा। कौन सा है बच्चों? गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेज आर ऑब्जर्व एज नेशनल हॉलीडेज? नेशनल हॉलीडेज जो मनाए जाते हैं, नेशनल हॉलीडेज ऐसे राष्ट्रीय पर्व होते हैं जो पूरा भारत देश मनाता है, उसके लिए कोई जाति धर्म नहीं बल्कि सब मनाते हैं, तो वो कौन सा है? इंडिपेंडेंस डे, जो कि 15 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है रिपब्लिक डे, जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है गांधी जयंती, जो कि 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओके बच्चों, फिर इसमें है नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है विच कंट्री आर द नेबर्स ऑफ इंडिया? भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताने हैं, कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, नेपाल, बांग्लादेश एंड म्यांमार आर द नेबर्स ऑफ इंडिया, ये भारत के पड़ोसी देश हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम्स ऑफ द 8 यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? भारत के जो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों, उनके नाम बताने हैं, कौन से हैं? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, फिर है चंडीगढ़, फिर है दिल्ली, फिर है पांडुचेरी, फिर है लक्षद्वीप, फिर है जम्मू और कश्मीर, फिर है लद्दाख और नेक्स्ट है दीव, दमन, दादरा एवं नागर हवेली। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी ज्योग्राफिकल रीजन? राइट देयर नेम्स। कितने भौतिक पार्ट में जो भारत है वो बटा हुआ है बच्चों, ये बताना है। तो जियोग्राफिकल रीजन ऑफ इंडिया आर कौन कौन से हैं? द नॉर्थन माउंटेंस, फिर है द नॉर्थन प्लेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द ग्रेट इंडियन प्लेट्यू एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ आइलैंड। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, नेम द वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स ऑफ इंडिया? भारत के तीनों साइड जो वाटर बॉडीज है बच्चों, उन्हें क्या कहा जाता है? इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर, अरेबियन सी यानी कि अरब सागर, बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें भारत के बच्चों, तो भारत ऐसे करके ऐसे है, ठीक है, तो इसके अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे क्या है? अरब सागर। क्या है यहाँ पे? अरेबियन सी है बच्चों। क्या है यहाँ पे? अरेबियन सी है। यहाँ पे है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन,
ठीक है बच्चों। और यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। तो भारत के तीनों साइड यहाँ पे है अरेबियन सी, यहाँ पे है इंडियन ओशन और यहाँ पे है बे ऑफ बंगाल। ओके, याद रखेंगे सभी बच्चे। फिर नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2 आता है, इसका नाम है द नॉर्थन माउंटेंस। इसमें फर्स्ट है बच्चों डिफाइन है माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज क्या होते हैं, ए रो ऑफ माउंटेंस, माउंटेंस की एक रो होती है उसे क्या बोला जाता है, माउंटेन रेंज बोला जाता है। ओके, फिर है माउंटेन पासे, माउंटेन पास क्या होता है, ए रोड थ्रू ए माउंटेन रेंज, एक माउंटेन रेंज की रोड जो होती है उसे क्या बोला जाता है, माउंटेन पास, दर्रा बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कीवर्ड्स बताने हैं, एन अर्थन पॉट फिल्ड विद कोयल, इसे क्या बोला जाता है, कांगरी, क्या बोला जाता है बच्चों, कांगरी। ए वार्म ओवरकोट, वार्म बाय द कश्मीरीज, इसे क्या बोला जाता है, एक ऐसा ओवरकोट है जो ऊपर से पहना जाता है कश्मीरीज के द्वारा, उसे क्या बोला जाता है, फिरान, क्या बोला जाता है बच्चों, फिरान। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, सबसे ऊंची भारत में ऊंची चोटी कौन सी है, द हिमालयस रेंज इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, कौन सी है, द हिमालयस रेंज, कौन सी है बच्चों, द हिमालय रेंज जो है वो सबसे ऊंची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेम द फर्स्ट मैन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर जो सबसे पहले व्यक्ति चढ़ा था वो कौन थे, सर एडमंड हिलोरी ऑफ न्यूजीलैंड, जो न्यूजीलैंड से चढ़े थे वो कौन से थे, सर एडमंड हिलोरी, एंड तेंजिंग नॉर्वे ऑफ नेपाल, नेपाल से कौन थे, तेंजिंग नॉर्वे, जो कि 1953 में चढ़े थे। अगर हम भारत की बात करें तो माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले कौन चढ़ा था बच्चों, बछेंद्री पाल, कौन गई थी, बछेंद्री पाल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर फ्रॉम द गंगा ऑर्गेनाइट्स, जो गंगा नदी है वो कहाँ से निकलती है बच्चों, गंगोत्री ग्लेशियर से, द गंगा ऑर्गेनाइट्स फ्रॉम द गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, अगर हम संसार की बात करें तो संसार में दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट गॉडविन ऑस्टिन, जिसे कि K2 कहा जाता है। सबसे पहली कौन सी है, माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, दूसरी है माउंट गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 भी कहा जाता है एज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। ओके, फिर हम नेक्स्ट वन की बात करते हैं, वॉट आर द फेमस लेक ऑफ जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की जो फेमस झील है वो कौन सी है बच्चों, डल लेक, वुलर लेक और डल लेक, कौन सी है, वुलर झील और डल झील। ओके, याद रखेंगे। वॉट वॉज द अर्लियर नेम ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का पुराना नाम क्या था बच्चों, उत्तराखंड वॉज अर्लियर नेम ना उत्तरांचल, पहले से क्या कहा जाता था बच्चों, उत्तरांचल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर इज द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज इन द उत्तराखंड, कहाँ पर है बच्चों, उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लार्ज टी प्लांटेशन, एक ऐसा स्टेट जहाँ पर बहुत ज़्यादा टी पैदा, टी की प्लांटेशन की जाती है यानी कि चाय की खेती की जाती है, वो कौन सा है, असम, कौन सा है बच्चों, असम है। विच आर द थ्री पैरेलल रेंज ऑफ द हिमालयस, हिमालय की समानांतर श्रेणियाँ कौन सी हैं बच्चों, द पैरेलल इन रेंज ऑफ द हिमालयस आर, वो कौन सी हैं, द ग्रेटर हिमालयस और हिमाद्री, एक ग्रेटेस्ट हिमालयस है जिसे कि हिमाद्री कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है द मिडिल हिमालयस और हिमाचल, जिसे एक मिडिल हिमालयस है जिसे कि हिमाचल बोला जाता है। थर्ड है द लोअर हिमालयस जिसे कि शिवालिक कहा जाता है। ओके, फिर नेक्स्ट वन की बात करते हैं, राइट द फेमस हिल स्टेशन ऑफ द हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के हिल स्टेशन कौन से हैं, हिमाचल प्रदेश इज वेल नाउन फॉर फोर हिल स्टेशन, कौन कौन से हैं, कुल्लू मनाली, डलहौजी और शिमला। ओके, फिर नेक्स्ट वन की बात करते हैं, व्हाई इज हिमाचल प्रदेश कॉल्ड द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश को फलों का कटोरा, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, भारत के फलों का कटोरा क्यों कहा जाता है, द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इज एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं उनका मुख्य व्यवसाय क्या है बच्चों, खेती करना है। द पीपल ग्रो राइस बैरली मेज एंड सिट्रस फ्रूट, जो यहाँ के लोग हैं वो चावल उगाते हैं, बैरली बाजरा उगाते हैं, मेज एंड सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फलों को उगाते हैं, जिस कारण सो द स्टेट इज कॉल्ड द फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया, यहाँ पर फलों की बहुत ज़्यादा खेती की जाती है इसलिए इस प्रदेश को क्या कहा जाता है बच्चों, फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ओके, अब नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट आपका थर्ड चैप्टर है बच्चों, थर्ड चैप्टर में पहले है कीवर्ड है
एन एरिया वॉटर्ड बाय ए रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, एक ऐसा एरिया जो पे नदी जा नदी का जल गिरता है, उसकी सहायक नदियों का भी गिरता है जल, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, बेसिन। क्या कहा जाता है बच्चों, बेसिन कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्री फूड सर्वेड एट गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारे होते हैं बच्चों उसमें जो फ्री में खाना खिलाया जाता है उसे क्या बोला जाता है, लंगर। क्या बोला जाता है बच्चों, लंगर। नेक्स्ट है डिफाइन ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी क्या होता है बच्चों, सहायक नदी से बोला जाता है। स्मॉल रिवर दैट जॉइंस ए बिग रिवर, मान लिया ये बिग रिवर है, ये गंगा नदी है बच्चों, इसमें इसकी जो सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी हैं यानी कि गंडक कोसी घाघरा, ये जो नदी है ये छोटी छोटी नदियाँ हैं बच्चों, और जब ये आकर एक बड़ी नदी यानी कि गंगा नदी में अपना जल इसमें गिरा देती हैं तो ये गंगा नदी की क्या कहलाती हैं बच्चों, ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है सहायक नदियाँ, जो एक बड़ी नदी में छोटी छोटी नदियाँ होती हैं वो अपना जल उसमें गिराती हैं, उसे कहा जाता है ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ। ओके बच्चों, फिर है संगम। अगर संगम की बात करें तो संगम क्या होता है बच्चों, द प्लेस वेयर रिवर गंगा मर्ज विद रिवर यमुना, जहाँ दो या तीन नदियों का संगम एक साथ होता है, यहाँ पे जहाँ पे दो नदियाँ एक साथ मिलती हैं बच्चों, जैसे एक नदी इधर से आ रही है, गंगा नदी आ रही है और ये यमुना नदी आ रही है, तो जब इन दोनों का मिलन हुआ इस जगह को क्या कहा गया बच्चों, संगम। क्या कहा गया, संगम। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट की बात करते हैं, विच थ्री बिग रिवर्स फ्लो इन द नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स की जो बड़ी नदियाँ हैं तीन वो बतानी है, कौन कौन सी है, गंगा सतलुज और ब्रह्मपुत्र। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा, रिवर गंगा की जो ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी है, यमुना गंडक घाघरा गोमती कोसी एंड सोन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम थ्री स्टेट लाई इन द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, एक थ्री स्टेट लिखने हैं जो ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में गिरते हैं, वो कौन सी है जिससे ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, वो कौन से स्टेट हैं, पंजाब हरियाणा और दिल्ली। ओके, इन विच ईयर दिल्ली वाज मेड ए यूनियन टेरिटरी, कौन से साल में जो दिल्ली है वो यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना था, कब बना था, 1956 को। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है वेयर फ्रॉम द रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइज, जो रिवर ब्रह्मपुत्र है वो कहाँ से निकलती है, रिवर ब्रह्मपुत्र ऑर्गेनाइज फ्रॉम तिब्बत, कहाँ से निकलती है बच्चों, तिब्बत से निकलती है। फिर नेक्स्ट की बात करते हैं हम, राइट द नेम्स ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा की हम बात करें तो कौन सा है बच्चों, सुंदरबंस का डेल्टा, कौन सा है बच्चों, सुंदरबंस का डेल्टा है। फिर है राइट द कैपिटल ऑफ द वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल की कैपिटल क्या है, कोलकाता, क्या है बच्चों, कोलकाता है। नेक्स्ट है फिर शॉर्ट क्वेश्चन है बच्चों, वाई इज डेली कॉल्ड मिनी इंडिया, जो डेली है उसे मिनी इंडिया क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, डेली इज कॉल्ड मिनी इंडिया बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री लाइव हेयर, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स के लोग, अलग अलग देश स्टेट के लोग यहाँ पर रहते हैं, दे स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, वे अलग अलग भाषाएं बोलते हैं, पंजाबी हिंदी उर्दू इंग्लिश ETC, इस कारण से यहाँ पर लोग रहते हैं, इसलिए इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है। फिर है नेम द थ्री रिवर्स बेसिन ऑफ द नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन प्लेन्स के जो थ्री रिवर बेसिन है वो बताने हैं। द नॉर्थन प्लेन्स कंसिस्ट ऑफ थ्री रिवर बेसिन, द सतलुज रिवर बेसिन, द गंगा रिवर बेसिन एंड द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। ओके बच्चों, फिर नेक्स्ट है वाई आर द नॉर्थन प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड, जो नॉर्थन प्लेन्स है वहाँ पर बहुत ज़्यादा जनसंख्या क्यों है, बिकॉज द लैंड इज़ फर्टाइल, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है वो फर्टाइल है, वहाँ की जो धरती है वो बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, वहाँ पर खेती की जा सकती है बहुत अच्छी, एंड सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स, फसल उगाने के लिए अच्छी है। ओके बच्चों, यहीं पे आपके चैप्टर से कंप्लीट होते हैं, तीनों चैप्टर को आप बुक वर्क और कॉपी वर्क अच्छे से याद करेंगे और अपने पेपर की तैयारी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।